हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स वंडा। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस मॉक के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आज के जो क्वेश्चंस हैं ये एसबीआई प्री मॉक जो पीएम ने प्रोवाइड प्रैक्टिस मॉक ने प्रोवाइड करवाया है वहां से मैंने लिए हैं। तो एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दिस इज सेकेंड पार्ट, तो आपका कंप्लीट दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग दोनों पार्ट्स को देखें। और उससे पहले जो इनका फ्री मॉक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको अटेम्प्ट कर लें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चन आपने किए हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना चाहिए। ओके, तो अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए, तो अच्छे से तैयारी करिए और इस बार एसबीआई में एक सीट अपनी फिक्स कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखा गया है तो आप जो भी लैंग्वेज प्रीफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं तो गिवन है सिक्स पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ लिव इन सिक्स स्टोरी बिल्डिंग। तो आपके छह पर्सन जो है वो सिक्स स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज। सारे पर्सन जो है वो आपके डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर छह हम लोग यहाँ पे जो फ्लोर है वो बना लेते हैं। सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। ठीक है, पर्सन फ्रॉम आर लिव्स इमीजिएटली अबव बी। तो पर्सन जो कि आर है वो इमीजिएटली अबव है किसके, बी के। तो उसको लिख लेंगे, राइट का साइन लगाएंगे क्योंकि अभी तो काफी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। देयर आर टू फ्लोर्स बिटवीन बी एंड सी। ठीक, दो फ्लोर जो है वो बी और सी के बीच में है, तो दो फ्लोर आपका बी और सी के बीच में आएंगे। ठीक, फिर ए इज नॉट फ्रॉम पी। सो ए जो है वो पी से नहीं है एक्चुअली। मैं अभी यही देख रही थी कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो दिए नहीं गए हैं और कंट्रीज के नेम दिए नहीं है, बट कंट्रीज के नेम इन्होंने दिए हैं, बट कंट्रीज के नेम की जगह पर इन्होंने जो वेरिएबल लिया है वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं को ले लिए हैं। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आर है वो पर्सन नहीं है एक्चुअली, ये एक कंट्री है। मैंने इस क्वेश्चन को पहले से अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं यहाँ पे साथ साथ ही अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो मैं ये देख भी रही थी कि कंट्रीज के नेम तो दिए नहीं है यहाँ पे, बट अभी मेरी एकदम नजर गई कि यहाँ पर्सन फ्रॉम आर दिया है, इसका मतलब आर जो है वो एक कंट्री है। ए इज नॉट फ्रॉम पी, तो पी जो है ए जो है वो पी से नहीं है। ओके, ए बी सी डी ई एफ इज अ पर्सन एंड बाकी रेस्ट जितने भी अल्फाबेट्स आएंगे वो आपके कंट्रीज के नेम है ना। देन ए लिव्स इमीजिएटली अबव सी, ए जो है वो इमीजिएटली अबव है सी से, सी के। पर्सन फ्रॉम एस लिव्स टू फ्लोर्स बिलो ई हु लिव्स इमीजिएटली बिलो एफ। तो पर्सन जो कि कहाँ से है, एस से है, वो कैसा है, टू फ्लोर बिलो है ई के, है ना। तो एस जो है वो दो फ्लोर बिलो आएगा ई के, दो फ्लोर बिलो मतलब एक का गैप। और ई हु लिव्स इमीजिएटली बिलो एफ, ई जो है वो इमीजिएटली बिलो है किसके, एफ के। पर्सन फ्रॉम क्यू लिव्स इमीजिएटली अबव डी, तो वो पर्सन जो कि क्यू से है वो इमीजिएटली अबव है किसके, डी के। पर्सन फ्रॉम टी लिव अबव द पर्सन फ्रॉम यू, तो वो पर्सन जो कि यू से है और वो पर्सन जो कि टी से है वो यू के कैसा रहेगा, अबव रहेगा, बट बिलो द पर्सन फ्रॉम पी, लेकिन उससे नीचे रहेगा जो कि आपका पी से बिलोंग करता है। ठीक, अब हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो कहां से लेंगे इसको, ले लेते हैं बी एंड सी, ए और सी। ठीक, क्योंकि बी से रिलेटेड फिर आर है ना, तो काफी कुछ मिल जाएगा, इन्हीं को ले लेते हैं साथ में। तो अगर आपका बी और सी में कैसे गैप दे सकती हूँ, बी अगर यहां पर आता है तो वन एंड टू का गैप करके सी यहाँ आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा बी अगर यहां पर आता है तो वन एंड टू का गैप करके सी यहाँ आ सकता है, और बी अगर नंबर फोर पर आता है तो वन एंड टू का गैप करके सी जो है सबसे बॉटम में आ सकता है। ठीक, इसको ऐसे करके लाइन बना लेती हूँ मैं। ठीक है, फिर उल्टा भी चलना पड़ेगा, सी अगर यहाँ पर आता है तो वन एंड टू का गैप करके बी यहाँ पर, और सी यहाँ पर आता है तो बी यहाँ पर। सी को टॉप पे नहीं लिखेंगे बिकॉज सी के जस्ट ऊपर क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ओके। बी के जस्ट अब वो पर्सन आएगा जो कि आर से बिलोंग करता है, यानी कि ये कंडीशन कट। यहाँ पर आपका आर आएगा, यहाँ पर आपका आर आएगा, यहाँ पर आपका आर आएगा और यहाँ पर आपका आर आएगा। ठीक है, बी और सी का गैप हो गया, ए पी से नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा और कोई पॉइंट, और कोई पॉइंट के लिए तो एफ और ई ले लेते हैं, है ना।
एफ और ई के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे कि ई जो है वो इमीडिएटली बिलो है किसके, एफ के, और दोनों पर्सन है ना, तो ये ले लेते हैं। इस कंडीशन में क्या ई और एफ फिक्स हो सकता है? नहीं हो सकता, स्पेस नहीं है। इस कंडीशन में एफ यहाँ पर और ई यहाँ पर आ सकता है, इस कंडीशन में एफ यहाँ पर और ई यहाँ पर आ सकता है, और इस कंडीशन में देखेंगे तो एफ यहाँ पर और ई यहाँ पर आ सकता है। ठीक, तो ये फिक्स हो गया। अच्छा, ई और एस, ई के सेकेंड टू दी बिलो एस वाला पर्सन आएगा जो कि एस से बिलोंग करता है, मतलब एस यहाँ पर। ठीक, इस कंडीशन में एस वाला पर्सन आ नहीं सकता, यानी कि ये कंडीशन कट, और इस कंडीशन में आपका एस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर डी, डी के जस्ट अबव क्यू आएगा। सो डी के जस्ट अबव क्यू में डी ऑब्वियसली यहाँ पर आ रहा है, तो क्यू यहाँ पर आएगा, और इस कंडीशन में डी यहाँ पर आ रहा है तो क्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर पी के नीचे टी और टी के नीचे यू आएगा, तो पी यहाँ पर, टी यहाँ पे और यू यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में पी यहाँ पे, टी यहाँ पे और यू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट बचा है कि ए को पी नहीं मिलेगा, तो इस कंडीशन में ए को पी मिल रहा है, इसलिए ये कंडीशन कट, आंसर आपका इसमें आएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन अगर आप ध्यान से चलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। देयर आर डैश फ्लोर्स बिटवीन द पर्सन फ्रॉम पी एंड डी। पी और डी के बीच में कितने फ्लोर हैं? तो दो हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। हु लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम टी, टी से जो है उसके इमीडिएटली अबव जो है वो कौन है? तो वो पर्सन है जो कि एस से बिलोंग करता है, सो ऑप्शन नंबर सी। हु लिव्स थ्री फ्लोर अबव द पर्सन फ्रॉम यू, यू के अबव थर्ड नंबर, 1, 2 एंड 3, तो क्यू या फिर बी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। एफ लिव्स डैश फ्लोर अबव द पर्सन फ्रॉम टी, टी के अबव कितने फ्लोर पे एफ है? तो 1, 2, 3 एंड 4th फ्लोर, सो 4th फ्लोर, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंट पी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ फ्रॉम पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू के 20 मीटर ईस्ट में क्या है? पॉइंट पी है। पॉइंट आर इज इन 34 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, तो आर जो है वो कितना है? 34 मीटर साउथ में है क्यू के। एस इज इन 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट आर, तो एस जो है वो 20 मीटर वेस्ट में है किसके? आर के। पॉइंट टी इज इन 17 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट टी जो है वो क्या है? 17 मीटर नॉर्थ में है। देन पॉइंट यू इज इन 34 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वी, तो पॉइंट यू जो है वो क्या है? 34 मीटर नॉर्थ में है वी के। इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वी एंड यू कुछ भी फिक्स नहीं है। पॉइंट टी इज 18 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट यू, तो पॉइंट टी जो है वो 18 मीटर ईस्ट में है यू से, तो यानी कि ये कहाँ जाएगा? वेस्ट में जाएगा 18 मीटर। और यू जो है वो कितना है? यू एंड वी के बीच में कहा है कि वी जो है वो कैसा है? साउथ में है 34 मीटर, तो यानी कि वी आ जाएगा यहाँ पे कहीं, और 34 मीटर, बिकॉज ये गैप कितने का है? 17 का। ठीक, क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, ये वाली इमेज जो है वो यहाँ पर लगी नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इमेज वहां से देख लेते हैं। गिवन अ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट यू, आर की डायरेक्शन क्या है यू के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो आर यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, क्या डायरेक्शन है यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है? ईस्ट, और ये है साउथ, तो साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर होगा ना, साउथ ईस्ट है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं और फिर एक पजल और है। ओके, गिवन है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, कनेक्ट कौन कर रहा है? सी कर रहा है। सो ए इज इक्वल टू सी, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो यानी कि आपका फर्स्ट फॉलो। सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो सी यहाँ पर है, के यहाँ पर है, कनेक्ट कौन कर रहा है इन्हें? कनेक्ट कर रहा है सी, यहाँ वाला जो सी है वो कनेक्ट करेगा के से, क्योंकि सी एंड डब्ल्यू और डब्ल्यू एंड के, तो सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, यानी कि आपका सेकंड भी फॉलो। डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बी, तो डब्ल्यू यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, दोनों जो है आप ऐसी कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी देखा जा सकता है इनको, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि इनके बीच में सारे साइंस दे दिए गए हैं, तो ये हट जाएगा, 1 एंड 2 आएगा, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखते हैं, टी इज ग्रेटर देन डी, सो डी यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, ठीक है, और कनेक्ट कैसे करोगे? एस, फिर एस से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, इसके अलावा टी से यू कनेक्ट है, तो फिर यू तो और कहीं दिया नहीं है, ये लेना पड़ेगा। टी जो है वो जे से कनेक्ट है, जे जो है वो एस से कनेक्ट है, फिर एस जो है वो डी से कनेक्ट है, लेकिन आपका ये वाला बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा इस हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी स्टार्टिंग में ही कैसा दिखा दिया गया है? स्मॉलर। डी इज ग्रेटर देन जे, सो डी इज ग्रेटर देन जे, तो एक बार में डी दिखाया गया है बट वो भी स्मॉलर, यानी कि ये भी कट। जे इज ग्रेटर देन यू, सो जे यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी एंड टी इज ग्रेटर देन यू, यानी कि आपका थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर सी।
जे इज ग्रेटर देन एच, सो जे यहां पर है, एच यहां पर है, ठीक है। तो देखते हैं, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक, और एच के लिए टी और आई से कनेक्ट, हाँ टी से कनेक्ट हो रहा है, तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बट ए जो है वो स्मॉलर देन हो रहा है किससे, टी से, यानी कि ये कंडीशन कट। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, सो आई यहाँ पर है, टी यहाँ पर है और टी एक्स से कनेक्ट है, तो आई इज ग्रेटर देन टी और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी कि आपका सेकंड फॉलो। एम इज ग्रेटर देन आई, तो एम एक ही जगह है, वो भी स्मॉलर देन दिखाया है, यानी खाली सेकंड फॉलो होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। ओनली किंग्स आर बैगर्स, सो ओनली किंग्स आर बैगर्स, मतलब ऑल बैगर्स आर किंग। ठीक, और ये ओनली का केस है। नो किंग इज लो, सम लो इज डायरेक्टर्स, सम बैगर्स आर बीइंग लो इज अ पॉसिबिलिटी, सम बैगर्स आर बीइंग लो इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, क्योंकि बैगर्स का रिलेशन ओनली किंग, यानी कि किंग के अलावा किसी से नहीं होगा। सम डायरेक्टर्स आर नॉट किंग, कुछ डायरेक्टर्स जो है वो किंग नहीं है, तो यस, ये वाला पार्ट जो कि लो का है, ये किंग नहीं है, डेफिनेट नहीं है, सो आपका सेकंड फॉलो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑल सिंबल्स आर नंबर, सो ऑल सिंबल्स आर नंबर, अ फ्यू लेटर्स आर सिंबल, सो अ फ्यू लेटर्स आर सिंबल्स, हमेशा ध्यान दे लेना आ फ्यू किसके लिए यूज करा गया है, क्योंकि जिसका साथ आ फ्यू यूज करा होता है उसका सम नॉट वाला केस होता है अदर के साथ, जैसे कि यहाँ पे लेटर का केस है सिंबल के साथ, मतलब यहाँ पे जो आधे लेटर है वो सिंबल है और आधे लेटर जो है वो सिंबल नहीं है और ना ही हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सारे लेटर कभी भी सिंबल नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन सिंबल जो है सारे वो लेटर हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखो कि आ फ्यू का केस किसके साथ है। फिर नो अल्फाबेट्स आर लेटर, सो नो अल्फाबेट्स आर लेटर, सम लेटर्स आर नॉट नंबर्स, कुछ लेटर्स जो हैं क्या वो नंबर नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि रिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सिंबल के साथ है, नंबर के संग हमें पॉजिटिव पता है बट नेगेटिव हम नहीं बता सकते, ठीक है। मोस्टली नंबर्स आर अल्फाबेट्स, मोस्टली नंबर्स आर अल्फाबेट, आपके ज्यादातर नंबर्स जो हैं क्या वो अल्फाबेट है, कुछ नहीं कह सकते, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन फॉलो, नन ऑफ दीज, ठीक है। ओनली एनिमल्स आर प्लांट्स, सो ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स, ठीक है, ये ओनली का केस है, इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ मैं एक चीज बता दे रही हूँ, यहाँ पर जो 5% दिया है उसको ओनली या फ्यू की तरह आप लोग लेंगे, ठीक है, तो इसको आप लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। सिक्स एथलीट्स के एल एम एन पी एंड क्यू बिलोंग टू डिफरेंट प्लेस अमंग चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली एंड बैंगलोर, ईच ऑफ दैम हैज वॉन डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स अमंग 2, 3, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक, तो यहाँ पर इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मेडल्स हैं, फिर देखते हैं आगे, और ये डिफरेंट प्लेस से हैं, ठीक, किसी एक को फिक्स कर सकते हो, मैं मेडल्स को फिक्स करूंगी, तो 9, 8, 7, 6, 3 एंड 2, क्योंकि मैं ज्यादातर पजल्स को रैंक एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर की तरह बनाती हूँ, या फिर फ्लोर या फिर बॉक्स वाले जो पैटर्न होते हैं, मैं ज्यादातर उन्हीं में पजल्स बनाना पसंद करती हूँ। तो एल हैज एक्चुअली पसंद नहीं होता है, बात ये होती है कि इसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, इसमें जल्दी बनता है, तो ऑब्वियसली जो भी चीज ईजिली हो जाती है वो हमें पसंद होती है, ठीक है। एल हैज वॉन 3 मेडल, एल के 3 मेडल है, ठीक। क्यू इज फ्रॉम कोलकाता एंड हैज वॉन 3 मेडल्स मोर देन द एथलीट फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो क्यू जो है वो कोलकाता से है और 3 ज्यादा उसके पास मेडल है न्यू दिल्ली से, तो 2 न्यू दिल्ली के पास है, तो 3 प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है, नहीं, अगर मान लो न्यू दिल्ली 3 वाला है तो 3 प्लस करेंगे तो 6 आ रहा है, अगर 6 न्यू दिल्ली वाला है तो 3 प्लस करेंगे तो 9 मिल रहा है, तो यानी कि दो कंडीशन आ सकती हैं, अगर दिल्ली यहां पर आता है तो क्यू एंड कोलकाता यहां पर, प्लस अगर दिल्ली यहां पर आता है 6 नंबर पे तो कोलकाता एंड क्यू यहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो एम हैज वॉन 2 मेडल लेस देन द एथलीट फ्रॉम मुंबई, तो एम के पास क्या है, 2 मेडल लेस देन है मुंबई से, तो मुंबई वाला 8 आता है, तो आपका यहां पर जो एम है उसको 6 मिल सकता है,
एंड इसके अलावा देखोगे तो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, क्योंकि दो का गैप है नहीं कहीं भी, है ना? हाँ, तो ठीक है, यही बनेगी फिर पॉसिबिलिटी कि आपका मुंबई वाला इस कंडीशन में अगर 8 मिलता है तो आपका एम जो है वो किसको मिलेगा? एम मिलेगा आपका 6 को, ठीक? क्योंकि 7 देते हो तो 5 नहीं है, 6 देते हो तो 4 नहीं है, 3 देते हो तो 1 नहीं है। इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर मुंबई आप 9 को दे सकते हो और एम आप 7 पे दे सकते हो। इसके अलावा मुंबई अगर 8 पे देते हो तो एम 6 पे नहीं दे सकते हो, ठीक है? देन एन हैज वॉन वन मेडल लेस देन द एथलीट फ्रॉम मुंबई। तो एन के एन जो है वो वन मेडल लेस जीतता है किससे? मुंबई से, ठीक? यानी कि मुंबई के जस्ट नीचे एन आएगा और इसमें 1 का गैप होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एन आ जाएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? एन हैज नॉट वॉन 7 मेडल, यानी कि ये कंडीशन कट। पी हैज वॉन मोर मेडल देन के। पी जो है वो ज्यादा जीतता है के से, तो पी यहाँ पर और के यहाँ पर, बिकॉज सारे फिक्स हो चुके हैं। के इज नेदर फ्रॉम बैंगलोर नॉर पुणे। तो बैंगलोर एंड पुणे से नहीं है, तो बैंगलोर और पुणे से नहीं है तो चेन्नई बचा, चेन्नई आएगा यहाँ पे। फिर एथलीट फ्रॉम बैंगलोर हैज वॉन मोर मेडल देन द वन फ्रॉम पुणे। तो पुणे से ज्यादा आएंगे बैंगलोर वाले के पास, तो बैंगलोर ऊपर पुणे नीचे, है ना? ये आगे पीछे लगे हैं, ठीक है? इसको देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्रॉम बैंगलोर। बैंगलोर से कौन है? सो एन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। के हैज वॉन डैश मेडल। तो के जो है वो कितने मेडल जीतेगा? दो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय एम और एन? एम और एन के बीच में कितने नंबर का गैप है? तो 1 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द सम ऑफ द मेडल्स वॉन बाय एथलीट्स फ्रॉम चेन्नई कोलकाता एंड पुणे? सो चेन्नई कोलकाता एंड पुणे, सो 6, 6, 12, 13, 14, 15, कितना आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। पर्सन फ्रॉम मुंबई हैज वॉन डैश मेडल। मुंबई वाला कितने मेडल जीतेगा? तो 9 जीतेगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक लास्ट यहाँ पर स्लॉग और लगा है, इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओनली अ फ्यू वाला केस है, मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।